इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर इंडिया HIF इंडिया की नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भव्य शुरुआत हुई। इसी के साथ भारत में हार्डवेयर उद्योग का नया दौर शुरू हुआ है। कोलन मेस्से प्रा लिमिटेड द्वारा आयोजित पहला संस्करण दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर टूल एवं एक्सेसरी प्रदर्शनी है, जो हार्डवेयर उद्योग को नई गति प्रदान करेगी। इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर इंडिया हार्डवेयर कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। उद्योग जगत के दिग्गज, अग्रणी निर्माता, खरीदार, नीति निर्माता और हितधारक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी ने पूरे हार्डवेयर समुदाय को पेशेवर मंच उपलब्ध कराया है। 200 से अधिक इंटरनेशनल प्रदर्शकों और 7000 से अधिक खरीदारों के साथ HIF दुनिया भर से आधुनिक प्रोडक्ट्स और समाधान लेकर आया है। भारत, ताइवान, जर्मनी, चीन, तुर्की, कोरिया सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन श्री आर के राय, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री अरुण कुमार गरोडिया चेयरमैन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और श्री मिलिंद दीक्षित मैनेजिंग डायरेक्टर कोलन मेस्से प्रा लिमिटेड तथा उद्योग जगत के अन्य दिग्गजों की मौजूदगी में किया गया। मिलिंद दीक्षित मैनेजिंग डायरेक्टर कोलन मेस्से प्रा लिमिटेड ने कहा, भारत ने 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को $1 trillion तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास एवं औद्योगिक प्रगति की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सेक्टर 2020 से 2030 के बीच 11% CAGR की दर से बढ़ेगा। हैंड टूल्स एवं पावर टूल्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद अक्सर हैंड टूल्स की अनदेखी की जाती है। हर सेक्टर में कच्चे काल का रूपांतरण टूल्स द्वारा की गई कारीगरी पर निर्भर करता है। ऐसे में टूल्स किसी भी उद्योग का विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हुए श्री आर के राय, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ SME ने कहा, 2022 में हैंड टूल्स का बाजार $342.8 million था, जिसके 4.3% की दर से बढ़कर 2029 तक $416.2 million तक पहुंचने का अनुमान है। भारत एशिया पैसिफिक हैंड टूल मार्केट में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फास्टनर्स का बाजार 2018 के बाद से 9.6% की दर से बढ़कर 2023 में ₹460 मिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत का हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल मार्केट लगातार विकसित हो रहा है और उम्मीद है कि ये दुनिया भर में 1.68% की दर से बढ़ते हुए विश्व स्तरीय निर्यात में 1.2% योगदान देगा। सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल ने भी खासतौर पर MSME सेक्टर में निर्माण के मानकों को ऊपर उठाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में हमें विश्वास है कि HIF इंडिया 2023 भारत के हार्डवेयर सेक्टर के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देगा। अरुण कुमार गरोडिया चेयरमैन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने 2030 तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को $1 trillion तक पहुंचाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर जोर दिया। विश्व स्तरीय चुनौतियों जैसे महामारी और भौगोलिक राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद मूडीज प्रोजेक्ट इंडिया 2023 5.5% की दर से विकसित हो रहा है, जो G20 देशों में अधिकतम है। भारतीय इंजीनियरिंग सेक्टर खासतौर पर हार्डवेयर उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और देश के विकास एवं निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत हार्डवेयर निर्माण उद्योग में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। हमें उम्मीद है कि HIF इंडिया 2023 उद्योग जगत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और हार्डवेयर उद्योग में भारत को ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित करेगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सेगमेंट्स पर ध्यान दिया गया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर, ऑटोमोटिव सप्लायर, एक्सेसरीज, आधुनिक कटिंग एवं वेल्डिंग उपकरण, प्रीमियम हैंड टूल, पावर टूल, स्पेशलिटी टूल, निर्माण एवं बुनियादी सुविधाएं, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सर्विस, वुडवर्किंग और फर्नीचर, बागवानी, एब्रेसिव। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले मुख्य प्रदर्शकों में शामिल है HR इंटरनेशनल, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, पावरटेक्स टूल्स कंपनी प्रा लिमिटेड, DP गर्ग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, FMI लिमिटेड आदि। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि इंजीनियरिंग स्पोर्ट जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट है। काउंसिल जितने भी है, इंजीनियरिंग का 25% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा शेयर है। हार्डवेयर भी जो है वो हमारा एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पैनल है हार्डवेयर। जैसे ऑटोमोबाइल है, स्टील है, एल्युमिनियम अलग अलग टाइप के, वैसे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को भी अभी हम लोग काफ़ी ग्रो करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हार्डवेयर का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का नहीं है ग्लोबल हैवी शेयर में, तो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। अभी जो कोलन मेस्से वालों ने अप्रोच किया, उनके साथ में जो फेयर हुआ, तो इसमें लगभग 200 एग्जीबिटर आए, फॉरन से भी एग्जीबिटर्स आए। इससे ये समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। इसको डबल करने वाली बात नहीं, इसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। इसलिए हम लोगों ने इस फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया कि इसमें लोग आएँ, अपने अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे,
तो बाहर के प्रोडक्ट्स भी लोग लेके आएंगे दूसरे कंट्री से, उससे हमको कंपटीशन कैसे होता है, कैसे कॉस्ट कम करना है, कैसे फिनिशिंग अच्छी देनी है, उनसे हम 10 चीज़ सीख भी सकते हैं कि भाई टाइमली कैसे डिलीवरी करें, क्या वो तरीके अपनाते हैं, हमको भी सीखने को मिलेगा जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। भारत में सर ये पहली बार आप लोगों ने शुरू किया है, आज से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके का आप लोग देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अलग अलग मशीनरी है जो हार्डवेयर है वो आइटम यहाँ देखने को मिले। देखिए यहाँ पे जो बेसिकली जो है हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है उसी से सीमित फेयर है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। ये वर्ल्ड वाइड यदि देखेंगे तो ओवर 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अभी मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना का है, हम लोगों ने जब ये एनालिसिस किया कि इंडिया से तो बहुत कम जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि भारत क्यों पीछे रहा, हम लोगों को किसी तरह ऐसा कुछ करना है जिससे कि आज चाइना के लेवल पे इमीडिएट में भी पहुँचे तो 2-5 साल में उस लेवल तक पहुँचे। आज बड़े बड़ी जो कंपनियाँ हैं चाइना से सोर्स कर रही है यूरोप में अमेरिका में, अब वो इंडिया आने लग गई, मेरे को उम्मीद है वो इस फेयर में भी आएंगी। एक बार जहाँ काम शुरू होगा तो उन्नति का जो द्वार है खुला हुआ आगे के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। ग्लोबल जो चीज़ में हम कितना पार्ट देखते हैं अपना, कितने परसेंटेज पार्ट देखते हैं कि हमारी डिमांड है और आगे आने वाले ग्रोथ में कितना ग्रोथ देखते हैं? देखिए इस सेक्टर में डिमांड बहुत बड़ी है, मैंने बताया ना 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की इंडस्ट्री है ग्लोबल में, और इंडिया से तो हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन, मुश्किल से हम तो 2-3% 4% तक करते हैं, उतना भी नहीं करते। मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना का है फिर ताइवान का है। तो ताइवान ने कैसे किया, चाइना से देखे चाइना ताइवान ने भी डेवलप कर लिया। पहले हार्डवेयर इंडस्ट्री जापान की फेमस होती थी, जापान से चाइना ने सीखा, चाइना से ताइवान ने लिया, अब बारी इंडिया की, चाइना प्लस वन सब जगह सारे वर्ल्ड में भी बात हो रही है। तो यही टाइम है जब हमको इनकैश करना है, चाइना प्लस वन में किसी तरह इंडिया में डेवलप करें, और जो इंडस्ट्री कम डेवलप हो उसको डेवलप करेंगे तो काइज द लिमिट फॉर देम। गवर्नमेंट से कहाँ तक आपकी डिमांड रहती है कि हमें ये सुविधाएं मिले तो हम और ग्रोथ कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? देखिए भारत सरकार जो अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कॉमर्स मिनिस्टर अभी हमारे पीयूष गोयल जी हैं उनके नेतृत्व में बहुत मदद करती है ट्रेड इंडस्ट्री के लिए। हम लोग जब कोई भी इशू लेकर जाते हैं हम लोग को इमीडिएट स्पॉट हेल्प मिलती है, कितने जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकल सके होता है। अभी आप देखेंगे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो PLI की स्कीम्स आई है क्यों आई, ये सब भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए आई है ना, इससे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी बहुत मेजर वे में एड्रेस कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग से बहुत बड़ा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेटल मेकिंग तो सारी इंजीनियरिंग में है, उस सेक्टर में यदि हम कार्बन फुटप्रिंट को सेव कर पाते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री का होगा देश की प्रगति। G20 समिट जो हुआ था, क्या लगता है ग्लोबली उसका बेनिफिट मिलता है आपको इंडस्ट्री में? ना G20 समिट जो हुआ उससे तो हमारा भारत देश सारी दुनिया में छा गया, और आपको क्या मिला? हार्डवेयर इंडस्ट्री को लेकर देखिए ये इंडिया में सबसे पहला हार्डवेयर शो है जो कि इंडस्ट्री ने मिल के और हार्डवेयर शो दीक्षित जी ने हमें ऑफर करा, आइडिया दिया, और हम करीबन 50 मेंबर थे इसमें, और हमने इस शो को बहुत तरीके से सराहा, और हमें यकीन है कि इस तरह के शो आगे हर साल लगेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया में लोग इधर आने शुरू हुए हैं, मैं देख रहा था बाहर खड़ा हुआ, लोग बाहर से बहुत आए हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये शो आज 200 मेंबर का है, नेक्स्ट शो 400 मेंबर का होगा, दैट इज श्योर। इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा? इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा जी, हम करोड़ों रुपया खर्च के बाहर शो लगाने जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं और चाइना जाते हैं माल बेचने, इस शो से जब बाहर से इधर आएंगे लोग तो हमारी एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेगी, देश की आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होगी फिर 100%। हमें तो देखिए आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी स्कीमें दे रखी हैं खासकर MSME को बहुत सारी अच्छे अच्छे स्कीम दिए, उन्होंने इनक्रेज करते हैं, जैसे उन्होंने बोला आत्मनिर्भर भारत में करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संदेश हमारे मेंबर्स में गया है भाई हमें काम इंडिया में करना है और हमें बढ़ना है, हर हालत में बढ़ना है। सर इस इंडस्ट्री में अर्बन वायरिंग सेंटर भी बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहीं से। देखिए हमें तो इंडिया के एक्सपोर्ट से है मतलब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना, और जितने MSME वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। MSME इंडस्ट्री जो है माइक्रो इंडस्ट्री है, वो इंसिलरी है स्मॉल की, जो स्मॉल है इंसिलरी है मीडियम की,
तो ये तो एक चेन है सारी। सर कितने स्टॉल हैं, कितने कितनी इंडस्ट्री और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर वैसे आए हुए? देखिए जहाँ तक मुझे पता है हमारे जलंधर पंजाब से करीबन 70 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से बाकी 130 मेंबर हैं डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, इंडिया से, और हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल लेवल पे। सर हमारे ये नेशनल चेयरमैन हैं, तो ये इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है आगे नए नए प्रोडक्ट्स बनाने का। और हम लोग एज EPC इंडिया, हम लोगों का क्योंकि गवर्नमेंट से काफ़ी लिंक है, तो हम लोग PLI वगैरह जो भी इस इंडस्ट्री को चाहिए उसमें हम उनकी सहायता करेंगे कि जिससे कि वो नई आइटम्स बना सकें। और जैसे उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज़ होना चाहिए, हमारे आइटम्स बढ़ने चाहिए, पहले से ऑटोमेशन नॉट ओनली इंडस्ट्री में, इवन जो एक आर्टिसन होता है जो काम करने वाला होता है वो भी ऑटोमेशन चाहता है, तो उसको नई टूल्स चाहिए, नए तरह के टूल्स, तो इसके में हम लोग उनकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर नई चीज़ क्या आई है, एकदम न्यू इनिशिएटिव क्या है? मैंने देखा यहाँ पे पावर टूल्स कुछ बनने चालू हुए हैं, लोगों ने चालू किए हैं पावर टूल्स बनाने, और ऑटोमेशन की तरफ काफ़ी लोगों ने काम किया है। और कार्बन क्रेडिट्स वगैरह के ऊपर भी जो अभी यूरोप के अंदर नए रूल्स आ रहे हैं जिसमें काफ़ी तकलीफ़ आने वाली है एक्सपोर्टर्स को, उस पर भी लोगों ने काम करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। EPC भी अपना सपोर्ट कर रही है जहाँ तक हो सके, सेमिनार्स वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कर रहे हैं जिससे कि इन लोगों को जो MSME में जो सेक्टर में हैं जिनको इतना नहीं पता लगता है उनको इस चीज़ का सपोर्ट मिल सके। जैसे सर ने बताया उसमें इंटरनेशनल 10 कंट्री से भी एग्जिबिटिंग कंपनीज यहाँ पे है, दैट इटसेल्फ इज शोइंग द इंटरेस्ट द होल वर्ल्ड इज़ टेकिंग इन इंडिया। ये शो हमारी कंपनी जर्मनी में काफ़ी सालों से लगा रहे हैं, एंड वी आर द लीडिंग हार्डवेयर फेयर इन द वर्ल्ड, कोलोन में से जर्मनी में जो होता है वो। सो द थॉट वाज द इंडस्ट्री वांटेड सम एक्टिविटी हियर बिकॉज यू नो एंड आई नो दैट ओवर चाइना, आपने यहाँ चाइनीज़ एक भी नहीं देखा है ये शो में, उनकी वीज़ा की प्रॉब्लम थी, बट वो नंबर्स में आना चाहते थे। आज नहीं आने से जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो इनको जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी है, प्राइस में हम लोग कॉम्पिटिटिव है, तो ये सिर्फ है कि हम मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग इन अ कंपनी दैट कैन प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म, यू नो अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे MSME जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी सहभाग है, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको हम MSME से सपोर्ट भी करेंगे। सो इससे बड़ी बात और मतलब ये दिखाता है अपने को कि कितना सबको इंटरेस्ट है इंडिया में ये इंडस्ट्री को ग्रो करना, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जिस तरीके देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा स्कोप है गवर्नमेंट में, तो इस इंडस्ट्री को उस स्मार्ट सिटी से कितना लाभ होने वाला है? लेकिन कई प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी समय से रुके हुए भी हैं, हाँ जी, चल रहे हैं, हाँ जी, तो उससे भी क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड तो बहुत है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी या अदरवाइज अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरे देश में, आप दिल्ली से लेके बॉम्बे कहीं भी चले जाओ, बहुत सारा काम चल रहा है, या ब्रिजेस बन रहे हैं, या रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, तो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा मेजर रोल प्ले करता है ना, अपने को सबको पता है। इसकी वजह से हार्डवेयर की ग्रोथ तो डेफिनेट है, जो स्कीम जो गवर्नमेंट एक एक दे रही है, जैसे MSME के सर ने बताया, वैसी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रही है, ये सिर्फ है कि अपने को फ़ायदा लेना इंडस्ट्री को, वो उनके ऊपर है। स्टील इंडस्ट्री जो निकालते निकासी स्टील की तो बहुत है, लेकिन उनकी डिमांड बड़ी इस टाइम बहुत कम हो पा रही है, वो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, किस तरीके देखते हैं फिर, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादातर इसमें स्टील का ही ज़्यादा स्टील है, आयरन ओर है, काफ़ी है इसमें, नॉट जस्ट स्टील, स्टील काफ़ी मात्रा में इक्वल मैं कहूँगा, बट देखो वो मैं उस पर आपको कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। स्टील तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सब जगह लगती है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इनके पास हैंड टूल जैसे मशीन टूल या जो इतनी जो वैरायटी फास्टनर्स है, ये आज पहले इंडिया में बनते भी नहीं थे काफ़ी सारे आइटम, वो आज बनने चालू हो गए, यहाँ से एक्सपोर्ट होना चालू हो गया, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जो मोदी जी ने जो सब बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की योजना, यू नो, तो इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। तो सप्लाई चेन पर किस तरीके से सप्लाई चेन में भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है ये इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत।